फटाका जो चीज है ऐसा नहीं खाली अमीर जलावे, गरीब क्यों नहीं जलावे। हाय हेलो नमस्कार, मी स्नेहा कोलते, माय महानगर लाइव मध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे। थोड्याच दिवसात दिवाळी येणार आहे आणि दिवाळी म्हटलं की खरेदी आलीच। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमची आत्तापर्यंत सगळी शॉपिंग झाली असेल आणि फक्त फटाके घ्यायचे राहिले असतील आणि तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की स्वस्तात मस्त फटाके कुठे घ्यायचे, तर आज मी उल्हासनगरमधल्या एका शॉपमध्ये आले। तिथे अगदी स्वस्तात मस्त आणि बाजारात नवीन आलेले फटाके तुम्हाला मिळणार आहेत। चला तर पाहूया। आता मी दुकानात आले, इथे मला आजूबाजूला खूप वेगवेगळ्या व्हरायटीजचे फटाके दिसत आहेत, पण मला प्रश्न पडले की हे फटाके नेमके किती किमतीत असतील आणि होलसेल भावात पण रिटेल क्वांटिटीमध्ये मला हे फटाके मिळतील का, आपण जाणून घेऊयात। आत्ता आपण बोलणार आहोत या दुकानाचे मालक आपल्यासोबत आहेत। आता बाजारात यावर्षी नेमकं काय काय नवीन आलं हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। मुझे बताइए इस साल क्या क्या नया आया है। ये जो आप शॉर्ट देख रहे हो ना, 1 2 3, ये साल न्यू आए। ये साल न्यू के साथ में एक दो चीज़ें ऐसी आई है जो शॉर्ट में अलग अलग वैरायटी आई है। ऊपर जाके फटते हैं 1 2 करके लाइन सीरीज वाइज 500 तक, और कलरिंग के साथ आवाज़ भी वॉल्यूम भी ये करते हैं। ये आइटम है नया, ये है ये। इनकी प्राइस क्या है। प्राइस 4,000 2,000 से लेके प्राइस चालू होता है, 1,500 से, माना अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग प्राइस है। आपके यहाँ होलसेल रेट में रिटेल क्वांटिटी भी मिलता है क्या। जी, होलसेल में हमारा रिटेल भी देते हैं। क्यों के फटाका जो चीज़ है ऐसा नहीं खाली अमीर जलावे, गरीब क्यों नहीं जलावे। आज ये चीज़ है मात्र 10 रुपये का, तो गरीब भी जलाता है, उसके बच्चे जलाते हैं तो खुशी मिलती है। फटाके के लिए मैं पहले आपको ये बोलूं, जो गलत फहमी है हमारे देश में कि फटाकों से प्रदूषण पोल्यूशन होता है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने तक अलो किया है एक साल पहले, आपको मालूम होगा न्यूज़ में। तो पहली बात तो आपको मैं बताऊँ कि फटाकों से पोल्यूशन जो होता है उससे मलेरिया के मच्छर मरते हैं। दूसरा ये है, हमारे हिंदू समाज में सबको मालूम है दिवाली हमारे भगवान राम के रिटर्न्स पे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, तो हमको दिवाली बहुत खुशियां देती है, उस वजह से हम लोग फटाके जलाते हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि कुछ लोग फटाकों के प्रदूषण को क्यों ज़्यादा फोर्स देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। माझ्या हातात आता ही मोठ्या आकारातली सुरसुरी, आपण ह्याची किंमत काय जाणून घेऊया, इसकी प्राइस काय। ये मैडम एक्चुअली 50 रुपीज़ से चालू होता है। ये साइज बड़ा है, ये साइज बड़ा है, इसमें छोटा आता है 50 रुपये से, 10 रुपये से भी आता है, लेकिन साइज वाइज और फंक्शन वाइज ये चीज़ बिकती है। बहुत अलग अलग रेंज के वैरायटी। ये क्या है। ये आप फाउंटेन बोलते हैं हमारा। ओके। ये आपको बता रहा था मैं, जब भगवान राम आए थे तो इस तरह से ही आज उनको वेलकम किया गया था। आज फटाके हमारे इंडिया के शान है। पॉल्यूशन अगर होता था तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा में ज़्यादा पॉल्यूशन का कंट्रोल होता है। वहाँ पर जो फटाके जला जाते एक दिन में, वो हम लोग पूरे इंडिया में हर साल जलाते हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि पॉल्यूशन क्या, ये सब इंडिया का चोचला है, कोई फालतू बात है। ये मुझे छोटे बच्चों के लिए कुछ तो दिख रही है, क्या है।
इसमें भी फाउंटेन ही है, नया पैकिंग आया है ये साल ये कार्टून्स में। हाँ नहीं कार्टून्स का पोज है, अंदर फाउंटेन ही है ये चीज है, लेकिन आज के जमाने में क्या है थोड़ा अलग अलग बच्चों को चाहिए इससे करके। बच्चों के लिए नया क्या है सर? बच्चों के लिए ये देखिए नया सेटअप। देखिए दो तीन आइटम आए हैं, एक ये आइटम है, दूसरा ये आइटम है। हाँ माचिस सही माना, उसमें क्या ऐसे चला के पानी में फेंकते तो भी जलते। दूसरा ये आइटम है, ये साल नया आया है, ये नो हानिकारक, बम फटता है लेकिन कोई हानि नहीं होती। बड़ा पैकिंग में आया है, पहले छोटा आता था ये, अभी बड़ा भी आया है। इसका ये बहुत ज्यादा जाता है बच्चों को, ये बहुत अच्छा लगता है। सेफ्टी है, सेफ्टी है और 10 रुपीज है, मैंने बताया पहले भी आपको। अमीर इसका बॉक्स कितना जाता है, कितना किलो कार्टन या कैसे आप? नहीं नहीं पर पीस सबसे ज्यादा 10 रुपीज ओनली। मैंने आपको पहले ही बताया दिवाली ऐसी है, गरीब क्यों नहीं एंजॉय करे, अमीर जब लेता है जलाएगा तो घर में नहीं बाहर रोड पे, तो उसको अमीर भी देखेंगे गरीब भी देखेंगे तो सबको एंजॉय होता है। This is enjoy festival actually. इस साल कैसा प्रतिसाद है ग्राहकों का? दो साल कम हुआ होगा तो इस साल कैसा है? मैडम दो साल के बाद में आज लोगों को बहुत खुशी आए, तो उसकी वजह से पहला मेरे नज़र में एक पटाखा ही है जो आदमी को खुशियाँ देता है, तो बहुत अच्छा जा रहा है। आपण स्वस्तातल्या स्वस्तात आणि लहानातल्या लहान फटाके बघितले, आता आपण इथे पाहूया की सगळ्यात हाय रेंज असलेले फटाके आणि सगळ्यात मोठा फटाका कोणता आहे तो मुझे बताइए ये कौन सा फटाका आहे? ये स्टैंडर्ड कंपनी का 500 शॉट है, जब ये जलता है ना एक घंटा कंटिन्यूसली 1 to 500 तक उसका फंक्शन चालू रहता है, तो ये हाईएस्ट में हाईएस्ट फंक्शंस के साथ में अच्छी माना जाता है हमारे फटाके के लाइन में पूरा। दूसरा ये है कंपनी का, ये भी है वनिजता कंपनी, ये शादी में आपने देखा होगा इवेंट वाले पीछे से जला के छोड़ देते हैं। अभी दिवाली में भी आपने देखेंगे ना रोड पे जलता है, मालूम नहीं आपको नहीं पड़ेगा कहाँ जल रहा है, लेकिन दूर दूर तक आपको इसके फंक्शन पूरे आसमान में दिखाई देगा। बहुत अच्छी और टॉपेस्ट क्वालिटी का ये फटाके माने जाते हैं, स्टैंडर्ड कंपनी और हमारे पास जो है। अपन डिजिटल जगत वावरतो त्यामुळे सगळ्या गोष्टींना डिजिटली नाव दिली जातात। आता माझ्याकडे एक हा एक पावसाचा प्रकार आहे खेळ, त्याला यूट्यूब असं नाव दिलेलं आहे, आपण बघू शकतो यूट्यूब नाव आहे, याला वायफाय असं नाव दिलं आहे। हा एक नवीन प्रकार मला दिसला आहे, हा इथे ही जी वात आहे ही जाळली ना की याच्यातून रंग बाहेर पडतात, हे फटाके नाही आहेत पण याच्यातून रंग बाहेर पडतो, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे फटाके इथे आपल्याला दिसत आहेत। चक्री लक्ष्मी बॉम्ब असेल, आपटीबार असेल किंवा सुळसुळे असतील, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे फटाके तुम्हाला घ्यायचे असतील तर उल्हासनगर 2 गजानन मार्केट आहे, इथे कृष्णा ट्रेडर्स नावाचं दुकान आहे, तिथे तुम्ही नक्की विजिट द्या। आणि या दुकानातून तुम्ही नेमकं काय काय घेतले आम्हाला सांगा, कमेंट सेक्शनमध्ये सांगायला विसरू नका। अशाच पद्धतीचे व्हिडिओज पाहायचे असतील तर आमच्या माय महानगर लाईव्हला सबस्क्राईब करा, आमच्या फेसबुक ट्विटर आणि इंस्टाग्रामला फॉलो करायला विसरू नका।